भटक रहा था मैं आवारा हाइड्रोजन की तरह, तुम आई मेरी जिंदगी में एक हैलोजन की तरह। मेरे दिल के इलेक्ट्रॉन उसके वेकेंट ऑर्बिटल निगल गए और हम एसिड बनके उसके इश्क में पिघल गए। जी जी धन्यवाद। तो फिर उसी फिर लड़की के बारे में सुनेगा कि दंत कांति से चमकाए हुए तुम्हारे वो पीले सफेद दांत, चश्मे के मोटे फ्रेम में मैग्नीफाई होते वो प्यूपिल, वो टपकती हुई नाक जो बस तुम्हारे होंठ पर होगी हल्की हल्की मूछों पर मंडरा रही थी, मैं उस नाक पर फिदा हो गया। क्या यही प्यार है क्वेश्चन मार्क। थोड़ी हाइट कम थी तो उस पर लिखा था कि वो तुम्हारे पोकेमोन के पिकाचू जैसी हाइट, वो तुम्हारा खुद को वर्टिकली क्यूट कहना, वो तुम्हारा खुद को हाउ टू टॉक टू शॉर्ट पीपल वाले मीम में टैग करना, तुम्हारे उन वर्टिकल डायमेंशन पर मैं फिदा हो गया। क्या यही प्यार है क्वेश्चन मार्क। तो उसके थोड़े हाथ छोटे थे तो उन पे लिखा था कि वो तुम्हारे जजंतरम ममंत्रम के बौनों वाले हाथ, उस पे कच्ची मूंगफली के दाने जैसे निकलती छोटी छोटी उंगलियां, उन उंगलियों से तुम अपने मलिंगा जैसे बालों को संवारती हो, तुम्हारी उन पॉलीमर बैकलाइट जैसी गुल्फों पर फिदा हो गया। क्या यही प्यार है क्वेश्चन मार्क। और फिर यहाँ था, फिर कभी कभी क्या होता है, आप बैठे हो उसके साथ, आप उसको देख रहे होते हैं, वो आपको देख रही होती है, पीछे गाना बज रहा होता है, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। तो उसी पे था कि वो तुम्हारा मुझको दांत किटकिटा के हंसना, वो मेरा तुम्हें वसेपुर के सरदार खान की तरह घूर घूर के देखना, वो मेरा तुम्हारी जुल्फों में खोना, रॉटन एग स्मेल से बेहोश हो जाना, तुम्हारी उन बिना धुली हुई जुल्फों पर मैं फिदा हो गया। क्या यही प्यार है। और जैसे ही मैंने यहाँ आखिरी लाइन बोली, वो लड़की जमीन पे लेट के नागिन डांस करने लगी कि बोली कि मैंने कहा कि वो तुम्हारी बड़ी बड़ी बंगाली बल्बासोर जैसी आंखों पर मैं फिदा हो गया। क्या यही प्यार है। कहते हैं हाँ रोहन हाँ यही है प्यार, आओ करें शादी बनेगा परिवार, हम दो हमारे चार। फिर क्या होता है कि फिर आप घूमने जाते हो उसके साथ। तो मैं गया था घूमने पार्क में, तो उसकी आदत थी कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करती थी, तो वो ग्रीन लिपस्टिक लगाकर आ गई, मतलब वो एक इच्छाधारी शिमला मिर्च लग रही थी। तो उस पर सुनिएगा कि इस टोमेटा के गार्ड सेल जैसे उसके होंठ थे, एपिडर्मिस को उन्होंने मेरी छुआ था, इस टोमेटा के गार्ड सेल जैसे उसके होंठ थे, एपिडर्मिस को उन्होंने मेरी छुआ था, ऐसे तो मैं था बहुत सख्त लौंडा, उस दिन मुझे हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ था। तीन महीना मेरा रिलेशनशिप चलने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया, वो चली गई, कविता रह गई। हुआ ये था कि मेरे क्लास में एक लड़का आया था, उसका नाम था रमाकांत त्रिपाठी और वो गिटार बजाता था। तो मोहल्ले के लोग इंजीनियर का प्यार गिटार वाले ले जाते हैं, तो उस पर सुनेगा, तो मैं इतना सिंगल हो गया था मैं खुद से शादी करने को तैयार था। तो उस पर सुनेगा कि क्योंकि मैं हाइड्रोजन था तो सुनेगा कि कटा के अपना ऑर्बिटल अब हम घूम रहे थे, कटा के अपना ऑर्बिटल अब हम घूम रहे थे, खुद से ही बॉन्डिंग करके हवा में झूम रहे थे। थैंक यू।